यहाँ पे काफी बच्चे आ रहे हैं। इस जो ये है ये पहाड़ है वहां से, क्या प्यारा लग रहा है ना ये पहाड़। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम आप लोगों को लेके जा रहे हैं सम्राट अशोक के जो शिला लेख है वहाँ पे, तो 14 शिला लेख है उनके, 14 में से एक है वो है कालसी में, हम आपको वहाँ लेके आए हैं आज। तो बिना किसी देरी के साथ व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं आपको व्लॉग में। ले भाई चीयर्स। गाइस हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ये यमुना पुल है, यहाँ से जौनसार जो है शुरू हो जाता है, जौनसार भवन। और मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जो ये है ये यहाँ से आ रही है, ये यमुना रिवर है, और वहाँ पे आपको उधर आके मिल जाती है आपके सामने वहाँ पे टॉस रिवर जो है वाकई यहाँ पे मिल जाता है। और ये जो आप देख रहे होंगे ये वाला, ये अंग्रेजों के ज़माने का पुल था, ये उस टाइम का है। तो बिना किसी देरी के साथ लेके चलता हूँ मैं अपनी जो हमारी डेस्टिनेशन है आज की वहाँ पे, और ऐसे ही बने रहिए व्लॉग में। सो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, हमने स्कूटी खड़ी कर दी है। ये देखो यहाँ पे एंट्रेंस चाहिए, और यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा हमें थोड़ा, वहाँ पे आपको गाड़ी वगैरह दिख रही होगी। तो देन वहीं पे हमारा जो है अशोका शिलालेख। तो मैं और नवीन आए आज स्पेशली आपको बताने और दिखाने, जगह काफ़ी अच्छी जगह है और रास्ता भी सही है। ये आम के पेड़ दिए, छोटे छोटे आम के फूल से लग रहे हैं, जो भी बोलते हैं ना, दैन मुझे पता नहीं है क्या बोलते हैं, वो वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। वहाँ पे आपको वो है मेन जो एंट्री है यहाँ पे वो, तो मिलते हैं आपको नीचे ही। अभी यहाँ से थोड़ा सा रह गया तो उसके बाद मिलते हैं। कम इन एंट्रेंस है यहाँ पे, यहाँ से काफ़ी सुंदर है ये थी, और यहाँ पे लिखा है घास में चलना मना है, देख लीजिए, और काफ़ी प्यारा लग रहा है यहाँ पे, ये फूल भी है यहाँ पे, देन यहाँ से जो भी है बहुत प्यारा व्यू भी काफ़ी प्यारा आ रहा है, पहाड़ भी दिख रहे हैं ऊपर, यहाँ पे धान वगैरह लगी हुई है, पीछे यमुना रिवर है वहाँ पे। और ये मेन आपका ये है आपका। सो गाइज मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये है अशोक शिला लेख, इस पर कुछ ब्रह्म लिपि में जो है लिखा हुआ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। देन ये मूर्ति है उनकी, देन ये देखो गाइज, देखिए यहाँ पे काफ़ी बच्चे आ रहे हैं स्कूल से, क्योंकि अच्छी जगह है, मौर्य सम्राट का लेख है ये जो उन्होंने लेख लिखा था। अभी मैम बता रही थी इनके, मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर में। देखिए यहाँ पे स्कूल के बच्चे हैं ये, पे आपको शिलालेख दिखाया हमने, ये जो चक्रवर्ती अशोक सम्राट है उन्होंने बनवाए थे अपने 14 शिलालेख बनवाए थे उन्होंने, उसमें से एक जो है उत्तर भारत में जो है स्थित है, मतलब ये कालसी में है। तो हमने आपको दिखा दिया ये, देन ये ब्रह्म जो ब्रह्म लिपि होती है ना,
प्राचीन काल की, उसमें लिखा हुआ है। तो मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाना चाहूंगा, कितना प्यारा व्यू है। पीछे पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं और आपको, उधर पहाड़ है और ये पीछे जो है ये यमुना रिवर है, उसमें आके यहाँ से एक और रिवर आके मिल रहा है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छी है। मैं आपको ढंग से दिखाता हूँ, जो ये है ये पहाड़ है वहाँ से, क्या प्यारा लग रहा है ना ये पहाड़। और यहाँ तक ये ऊपर, इधर पहाड़ है, इधर थोड़ा पीछे गांव टाइप का एरिया है। और क्या देख रहा भाई, ये बेचारा गर्लफ्रेंड ही देख, ये बेचारा अपने लिए गर्लफ्रेंड ही देखता रहता है कि कहाँ मुझे गर्लफ्रेंड मिले। तो कृपया बेचारे इसकी दिल की तसल्ली के लिए कोई इसे गर्लफ्रेंड दिला दो बेचारे को। अरे भाई छुप मत यार, ऐसे क्यों छुप रहा। ये देखिए गाइस, फूल कितने मस्त लग रहे हैं, यहाँ पे खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही है। वो पीछे भैया आए थे कभी ना, वो भी बोल रहे थे कि ये खुशबू यहाँ किस चीज़ की आ रही है। तो देन अच्छी जगह है, आप आ सकते हो यहाँ पे, काफ़ी नॉलेज वाली जगह है, आप यहाँ पे आके पढ़ भी सकते हो, वहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। देन मैं आपको वीडियो में दिखा चुका हूँ वो चीज़, तो हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, पर जो जो है शिलालेख लिखा वो है ब्रह्म लिपि, वो देन शायद ही आप अगर कोई किसी को आती होगी तो वही पढ़ सकता है, देन और कोई पढ़ नहीं सकता आसानी से वो, क्योंकि वो ब्रह्म लिपि है। तो क्योंकि उसके वर्ड्स हैं वो अलग ही लेवल के हैं, ठीक है। तो देन मिलते हैं, ये बोल रहा था मेरी रील बना दी, इसकी मैंने रील बना दी। हम देन हम अब यहाँ से वापस जा रहे हैं और काफ़ी अच्छी जगह है। देन हम यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे वहाँ तक, ये वहाँ से जा रहा है ऊपर, हमारी स्कूटी खड़ी हुई। तो खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है यहाँ पे फूलों की, और चबूतरे के है ना, चबूतरा है ये, चंपा चंपा चमेली, अच्छा चंपा चमेली जो भी है, पर पेड़ ऐसा लगा था। सो गाइस हम वापस जा रहे हैं यहाँ से, इसमें सांप होते हैं, आइए आप यहाँ पे। और हम आए थे जैकेट लेके, पर हमको लग रही है गर्मी अब। तो वहाँ पे एंट्रेंस है जहाँ से हम एंट्री मारी थी, हम देन वहाँ से बाहर जा रहे हैं, हमको भगा रहे हैं यहाँ से ये। तो भाई पसीना, और ये इसकी जैकेट है, ये जैकेट लेके आए थे, इसे बहुत ठंडा लग रहा था इसलिए अब जैकेट उतर गई है इसकी, अब थोड़ी गर्मी लगने लगी है इसे। अब बाकी हम चलते फिर अपनी गाड़ी के पास, निकलते घर के लिए। गाइस इस बंदे ने मुझे बोला था कि मैं आज तुझे कुछ खिलाऊंगा, अब देखते हैं कितना खिलाता है, नहीं खिलाता, नहीं खिलाएगा तो कमेंट में बताओ इसको इसका क्या करा जाए। मेरी हमारी स्कूटी खड़ी हुई, हल्की हल्की सांस फूल चुकी है हमारी, पानी भी नहीं लाया यार हम, चलते हैं वापस। ये वन सेकेंड फिर से मैं दिखा देता हूँ, ये एंट्रेंस है यहाँ का, यहाँ से आप लोग अंदर आओगे, अंदर आते ही आपको ये एंट्रेंस मिलेगा, ये जो जा रहा है ये शिलालेख के लिए, और ये जा रहा है इधर पीछे कोई गाँव है। तो गाइज आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।